जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है आषाढ़ माह 2021 के व्रत और त्यौहार। जानेंगे इसी के विषय में, जुड़े रहिए मेरे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं आषाढ़ माह 2021 के व्रत और त्यौहार। जो मित्र मेरे इस वीडियो में नए आए हैं, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरा जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आइए मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, इस बार आषाढ़ माह का प्रारंभ 25 जून 2021 शुक्रवार को प्रारंभ होगा और 24 जुलाई शनिवार 2021 गुरु पूर्णिमा तक रहेगा। इस माह के प्रमुख व्रत और त्यौहार इस प्रकार हैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूं। मित्रों, 25 जून वट सावित्री पूर्णिमा के बाद आषाढ़ माह प्रारंभ होगा। 25 जून को गुरु हर गोविंद सिंह जी जयंती भी है। 27 जून को गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा। रात को तिथि का प्रारंभ होगा। चंद्र उदय 9:50 पर है, इसलिए दूसरे दिन तक यह तिथि जारी रहेगी। मित्रों, 28 जून से पंचक काल प्रारंभ होगा जो 3 जुलाई तक रहेगा। मित्रों, 2 जुलाई को शीतला अष्टमी का पर्व है, जिसे बसोड़ और बासोड़ा भी कहते हैं। 5 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत मित्रों रखा जाएगा। 7 जुलाई को प्रदोष व्रत रहेगा और इसी दिन संत नामदेव जी की पुण्यतिथि भी है। मित्रों, 8 जुलाई को शिव चतुर्दशी अर्थात मासिक शिवरात्रि रहेगी। 9 जुलाई को हलहारिणी अमावस्या है, यह श्राद्ध दान पुण्य की अमावस्या गिनी जाती है। 11 जुलाई आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा और इसी दिन गुप्त नवरात्रों का भी प्रारंभ होगा जो 18-19 जुलाई तक चलेगी। मित्रों, 12 जुलाई को भगवान जगदीश श्री जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ होगी। 13 जुलाई को विनायक की चौथ का व्रत होगा। मित्रों 15 जुलाई उत्तराखंड के साईं टेऊ राम जयंती रहेगी। मित्रों, 16 जुलाई को मां ताप्ती जयंती रहेगी और इसी दिन करक संक्रांति भी होगी। मित्रों, 18 जुलाई को गुप्त नवरात्रि पारण दिवस और इसी दिन भड़ली नवमी भी रहेगी। मित्रों, 19 जुलाई को आषा दशमी का व्रत रहेगा। 20 जुलाई को हरिशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। इस देवशयनी एकादशी भी से कहते हैं, इस दिन से देव सो जाएंगे और सभी तरह के मांगलिक और 4 माह के लिए शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। मित्रों, 21 जुलाई को प्रदोष व्रत वामन द्वादशी वासुदेव द्वादशी रहेगी। 22 जुलाई को विजया पार्वती व्रत और मंगला तेरस रहेगी। मित्रों, 23 जुलाई को व्रत की पूर्णिमा प्रारंभ होगी और इसी दिन चंद्रशेखर आज़ाद और लोकमान्य तिलक की जयंती भी है। मित्रों 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा रहेगी। इस दिन व्यास पूजा होती है अर्थात महाभारत के लेखक वेद व्यास जी की पूजा। इसी दिन से आषाढ़ माह समाप्त हो जाएगा। दूसरे दिन से शिव जी का माह श्रावण मास यानी कि श्रावण मास कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा और इसी दिन पंचक काल भी प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों जुलाई माह की बात करें तो 26 जुलाई को श्रावण माह का पहला सोमवार रहेगा। इसी दिन महाकाल बाबा की पहली सवारी निकलेगी। 27 जुलाई को मंगला गौरी का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन गणेश चतुर्थी भी रहेगी। 28 जुलाई को मोना पंचमी रहेगी और नाग मरुस्थले भी है। 30 जुलाई को शीतला सप्तमी का व्रत रहेगा। इसी दिन पंचकों का भी समाप्त हो जाएगा। मित्रों ये थी ज्योतिष की कुछ आषाढ़ माह 2021 के व्रत और त्यौहार की जानकारी। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।